लोगों ने देखा होगा क्या कहीं शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं और जब वो डीजे बजता है, बिल्कुल बजता है, तो अधिकांश ये गाना बजता है उसमें। कौन सा तुम हो हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम है जानी। अरे यार की है यारी निभानी, देखा होगा पर्दे पर राजकुमार जी को पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, कहते हैं मस्ती में हस्ती खो बैठे मस्ताना उसी को कहते हैं, दिल भर गया जिसका दुनिया से बेगाना उसी को कहते हैं। अरे पीने को बहुत से पीते हैं, पीने का मजा वो क्या जाने, पीने को बहुत से पीते हैं, पीने का मजा वो क्या जाने, पर जो पी के न बहके दुनिया में दीवाना उसी को कहते हैं। अरे पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, और हुस्न में जवानी जैसी, जवानी जैसी, अरे जवानी जैसी, लेकिन लेकिन ये रईसी है खानदानी। लेकिन आजकल तो कुछ ऐसे भी हैं कि ये बीमारी है खानदानी, पीले पीले ओ मोर जान, कार्यक्रम था मुकेश मृदुल से, मुकेश मृदुल जी से कार्यक्रम था, उनका एक सवाल या कटपीस आया, उसका जवाब दिया था, वो जवाब मैं आपके सामने गा रहा। एक बार अगस्त ऋषि पहुंचे, भैया ज्वाला जी अगस्त ऋषि पहुंचे राजा कान्हकुब्ज के पास, जाकर के राजा से कहा, राजन अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। राजा ने कहा, प्रभु अभी तो मेरी बेटियां छोटी छोटी हैं, जब मेरी बेटी विवाह के योग हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करूंगा। ये सुन करके अगस्त ऋषि वापस चले गए, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद पुनः लौट करके आए राजा के पास, और राजा कान्हकुब्ज से कहा कि राजन याद करो, तुमने वादा किया था कि जब मेरी बेटी सयानी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अरे अब तो तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई होगी, जाओ अपनी बेटी को लाओ,
और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दो। अब समस्या फंस गई। क्यों? क्यों? जब तक अगस्त ऋषि दोबारा आए तब तक राजा अपनी सभी बेटियों का विवाह कर चुके थे। अब कोई बेटी बची ही नहीं थी। राजा ने सोचा भगवान अब करें तो क्या करें। अगर ये बात अगस्त ऋषि को पता चल गई तो मुझे श्राप दे करके चले जाएंगे। राजा ने दिमाग लगाया क्या किया जाए। अब बेटी तो बची नहीं थी। राजा का जो बेटा था लड़का था उस लड़का को लड़की के कपड़े पहनाए, लड़का को लड़की जैसा बनाया और अगस्त ऋषि के पास खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया और कहा प्रभु यह हमारी बेटी है, इसके साथ विवाह कर लो। अब देखिए खड़ा तो कर दिया भैया जी खड़ा तो कर दिया, लेकिन राजा सोच रहे हैं क्या कर दी है हमने नादानी कैसी। कर दी है हमने नादानी कैसी और सन्मुख ये आई परेशानी कैसी। बहन जी सन्मुख ये आई परेशानी कैसी और हो गई है गलती अनजानी कैसी। और ऋषिवर ने मन में अरे ठानी कैसी ठानी कैसी। क्यों? क्योंकि अरे कह गए धोखे में राजा, कह गए धोखे में राजा, हैरानी में फंस गई रानी। भैया ज्वाला जी कह गए धोखे में राजा, हैरानी में पड़ गई रानी। लेकिन अगस्त ऋषि ने क्या किया, वो लड़का जो लड़की के भेष में खड़ा था अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया और वो अभिमंत्रित जल जैसे ही उस लड़के के ऊपर छोड़ा तो वो लड़का वाकई में लड़की ही बन गया। अब राजा को चिंता हो, अरे कह गए धोखे में राजा, हैरानी में पड़ गई रानी। तो मंत्रों की महिमा न जानी, मंत्रों की महिमा न जानी, क्योंकि भेजा था जो अरे भेजा था जो बेटा राजा, भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा बिटिया राजा। अरे भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा की। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया है, उसके लिए क्षमा। परम आदरणीय सम्मानीय दादाजी आपने प्रस्तुत किया है, भाव भी है और काम भी है, और सोने पे सुहागा आपका एक कटपीस। चलिए बाकी सब लोग समझदार हैं, अच्छे जवाब आपको भी मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।
आइए चार पंक्तियों से थोड़ा इस ठंडक भरे माहौल को गर्म करता हूँ, देशभक्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। कि स्वानों के झुंड अब घेर रहे शेर को, ऐसे नमक हरामियों का शिकार होना चाहिए। स्वानों के झुंड अब घेर रहे शेर को, ऐसे नमक हरामियों का शिकार होना चाहिए। दया की भीख पर जो जीवन जी रहे, ऐसे एहसान फरामोशों पे वार होना चाहिए। तो बहुत हुआ इंसानियत का संदेशा, हर क्रियाकलाप का प्रतिकार होना चाहिए। और वतन पे शहीदों ने जाने गवाई बहुत, देश के विरोधियों का संहार होना चाहिए, देश के विरोधियों को सम्मान होना चाहिए। और देखिए कत्रदान है, शब्दों के कत्रदान, हमारे बड़े भाई श्री पप्पू शर्मा संदाना जी लखनऊ से, और जो उनके साथ भाई साहब हैं साथ में, उनका भी योगदान है इसमें। आइए चार पंक्तियां इसी से मिलती जुलती, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालांकि संचालक का कोई मतलब नहीं है जवाबी कीर्तन के बीच में, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों का भी काम हो जाता है। तो कब तक सहोगे जुल्म शांति की चाहत में, लातों के भूत कभी बातों से न मानते। कब तक सहोगे जुल्म शांति की चाहत में, लातों के भूत कभी बातों से न मानते। आसुरी प्रवृत्ति के करे मनमानी सदा, भाषा तलवारों की ही मित्र ये तो जानते। तो अंगुली पकड़ाओगे तो कंधे तक जाएंगे, अखिलेश भैया अंगुली पकड़ाओगे तो कंधे तक जाएंगे, मतलब निकलते ही नहीं पहचानते। भैया अनुरागी जी, अजय अनुरागी जी, अरे खून में खराबी इनकी दोगले हैं जन्म से, और जिसकी खाते निशाना उसी परेशान थे। आइए अभी थोड़ा सा हास्य की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत चार पंक्तियां, ज्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं, गजल के रूप में लिखा हमने। सच को कहने की भूल कर बैठो, आदरणीय बीनू दादा, अगर कोई दिक्कत हो तो हम बंद कर दें, सुनिएगा लेकिन आनंद आएगा। सच को कहने की भूल कर बैठे, आदरणीय त्रिपाठी दादा, सच को कहने की भूल कर बैठे और काम ऐसा फिजूल कर बैठे। सच को कहने की भूल कर बैठे और काम ऐसा फिजूल कर बैठे। गांव के जो प्रधान जी थे, भैया इस गांव के नहीं, हमारे गांव के, गांव के जो प्रधान जी थे, नाम अपने नजूल कर बैठे। नाम अपने, देखे दादा समझ गए, नजूल की जो जमीन थी, प्रधान होते अपने नाम कर बैठे। लेकिन जो लगाई थी चुनाव में दौलत, 100 गुना वो वसूल कर बैठे। उसके बाद क्या हुआ, बाप ने खूब जर कमाया था, नष्ट बेटे समूल कर बैठे। दोस्ती आज दुश्मनों से हम जानकर भी कबूल कर बैठे, जानकर भी हम कबूल कर बैठे। इन्हीं पंक्तियों के साथ उत्तर भारत की मशहूर कीर्तनकारा परम आदरणीय सम्मानिया श्रीमती रिंकी तिवारी जी कानपुर महानगर से उपस्थित हो रही हैं आपके सामने। आइए बहन जी आपका स्वागत। आदरणीय बाबूलाल भैया, एक बात आपने कही, रिंकी जी आज बड़ी तैयारी से आई हैं। अरे नीचे वालों को बड़ा पाठ पढ़ा कर लाई हैं। अरे मोरी दैया रे। बाबूलाल भैया, हमारा और आपका ये कार्यक्रम पहला नहीं है, बहुत कार्यक्रम आपसे हुए हैं। बिल्कुल, अभी तो नवरात्र में ही मिले थे, यही बैच तब भी था, याद करिए पेट्रोल पंप जिसमें तेल नहीं था। सही है, और क्या, हाँ लाइव चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं बाबूलाल भैया, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे इन्होंने कोई शब्द गलत कहे हो तो आप मुझे बताइए। आई एम वेरी इंटेलिजेंट बच्चा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे मंडल की तरफ से कोई अभद्रता हो रही है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरे मंडल में इतनी छूट नहीं है, केवल हंसाने के लिए थोड़ी कार्यक्रम में रोचकता बनी रहती है। बाकी बुलेट ना चल पाए तो इसकी कोई बात नहीं। नहीं बेटा, उम्र की बात होती है। प्रदीप भैया देखो, अपने को देखो, तुम्हारी उम्र है बुलेट वाली। अच्छा, इनकी उम्र खड़िया वाली। नहीं गंदी बात, आपसे बड़े हैं, इनको नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा, हाँ भावनाएं समझिए। आइए बाबूलाल भैया, आपके लिए एक शब्द भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे विषय में जानते हैं। रिंकी तिवारी कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। कम खाओ अच्छा खाओ, लेकिन सुरती खाओ।
धूम्रपान निषेध है मंडल में। लेकिन आइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को खुरापात उत्पात। लेकिन आपके लिए नहीं कहा जाएगा, ये नीचे वालों का आपसी सिस्टम है, ये वो लोग देखेंगे, थोड़ा हंसाने के लिए हो जाता है, वो लोग नहीं देख पाएंगे दादा, तो ये थोड़े से अच्छा लगता है, इसलिए हुआ था। आइए, जवाब के लिए कोई टिका टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि जवाब पर अगर जनता सहयोग कर देती है, एक पंक्ति भी अगर, जैसे आपने कहा कि कई महीनों में कई सालों में एक गीत लिखा जाता है, जवाब के लिए थोड़ा सा समय मिलता है, तो बस वही हाल इधर भी है, जो आपकी तरफ है वही इधर भी है। तो आइए, प्रयास कर रही हूँ, बढ़िया जवाब आपने दिया था, पक्के जुआरी निकल गए जीजा। अच्छा, तो बोले जीजा के पीछे सब पड़ गए, तो हमने सोचा पिया ले लें। अरे जब पिया है तभी तो किसी के जीजा बनेंगे, और क्या। लेकिन चलिए, बढ़िया है, आपकी ओर से बढ़िया जवाब आया है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है कि कुछ कहा जाए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दोहराए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। अरे वो दशानन तो चाहता था बना दूं स्वर्ग तक सीढ़ी, लेकिन चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते, क्योंकि हर बात राज नहीं होती और हर चिड़िया भी बाज नहीं होती। उनके कहर से थोड़ा सा तो डरो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, नहीं होती, जब पड़ती है तब समझ में आती, ठंडी बहुत है। आइए, बढ़िया गीत आपने दिया है, ठंड गीत के रूप में प्रयास कर रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं आपका ठंड गीत और गीत का मैं जवाब कहीं से दे दूं। आइए सुनेगा, बढ़िया तर्ज आपने दी है, पहले मर्ज सुनिए फिर मेरी ओर से उसका इलाज। पप्पू भैया, पप्पू भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे क्षमा, आप देर से आए हैं, उसकी पेनाल्टी दीजिए, बैठिए पहले, ये पेनाल्टी आपके लिए, जल्दी बैठिए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ आए, एक ही साथ चल पड़े परीक्षा लेने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, धन्यवाद है, आपने आदेश शिरोधारण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, जवाब सुन लीजिएगा, प्रयास करती हूँ कि शायद भैया के गीत का कहीं से मेरी ओर से प्रयास आ जाए। आइए, तर्ज एक बजी है, पहले बंबई वालों ने क्या गाया है सुनिएगा। भैया ने गाया है, अरे यार की है यारी निभाने, चलो गंदी आदतें हम लोगों में नहीं है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे ज्ञानी। अरे वाह भाई वाह राजकुमार, अरे यार की है यारी निभानी, पीले 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 ओ मोरे राजा, अरे पानी में मिले तो लगे पानी।
तो लगे पानी जैसी। अरे वाह। अरे जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी हो, जवानी जैसी। अब हम नहीं कह रहे, राजकुमार कह रहे हैं। अरे ये रही सी है और का कानपुर वाली, ये रही सी है खानदानी। हेलो कानपुर। अरे ये रही सी है खानदानी, पीले पीले पौआ, पीले पीले ओ मोरे झानी। बहुत बहुत अच्छा चयन, बहुत अच्छी आई है, बहुत सुंदर आई है जानी। अरे वाह, अरे वाह। फिल्म का नाम तिरंगा, बहुत बढ़िया प्रयास भैया जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैमरामैन फोकस करेगा। और ये बहुमूल आशीर्वाद, क्योंकि स्वयं में बहुत अच्छे कलाकार हैं, रचनाकार भी हैं, कीर्तनकार भी हैं, और मंच का संचालन गोल गोल करते हैं। ये मेले में आए गोल गोल ना लिखे तो बेकार। और का गोल गोल हमारे आधड़ी शिवानी बड़े भैया, हमारे भैया हैं नीलेश ज्वाला जी, आपके कर कमलों धराइए। 51 रुपए आए हैं। आपने कहा तीन देवियां थी, चौथी भी मिल गई। अरे वाह, अरे अरे तीन महादेवियां, एक महादेवी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, चौथी तो है ही नहीं, महादेवी वर्मा। आप बताएंगे यहाँ पर भी तीन ही मिलेंगी। अरे अरे, ये आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 201 रुपए का आशीर्वाद, बहुमूल आशीर्वाद आदरणीय शर्मानी हमारे भैया श्री पप्पू शर्मा जी संधाना, आपके कर कमलों द्वारा ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे लिए 201 रुपए का और हमारे श्री नारायण जी के लिए आपने 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अब देखिए, आपने बड़ी सुंदर सी बड़ी सुंदर सी कटपीस गाई है। मैं प्रयास करती हूँ कि शायद कहीं मेरी ओर से उसका प्रयास हो जाए। आई भाई, क्या बात है। भैया आप कंचनपुर से आए हैं, आपका नाम है पप्पू भैया, आपकी ओर से ये 11 रुपए का आशीर्वाद आया है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद। सुनेगा आपने उधर से अभिमंत्रित जल का प्रयोग दिखाया है, जल से ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ है। अब देखिए मेरी ओर से आप प्रयास देखिएगा आदरणीय बाबूलाल भैया, शायद आप लोगों को अच्छा लगे बच्चों का प्रयास। नीलेश भैया मेरी ओर से प्रयास देखिए, अगर उधर जल से कोई कार्य हुआ है तो इधर से भी मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो भी जल से ही कार्य हो रहा है, और जल भी ऐसा वैसा नहीं है, अभिमंत्रित ही जल होगा। और क्या, अभिमंत्रित जल ही होगा। अखिलेश भैया सुनिए कैसे है। एक राजा है जिनका नाम है यूनास, यूनास उनके कोई संतान नहीं थी। भैया ऋषियों के पास गए, उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं है। ऋषियों ने जल दिया अभिमंत्रित और कहा कि ये अपनी रानी को दे दीजिएगा। राजा नाए, और जब राजा नाए उस घड़े को अपने पास रख लिया, रात्रि में उनकी नींद
खुली, बड़ी जोरों की उनको प्यास लगी तो उन्होंने कुछ समझा नहीं, अचानक उस जल को पी गए। और जब उस जल को पी गए, क्योंकि वो रानी के लिए आया था कि वो गर्भवती हो जाए, यहाँ पर उल्टा हो गया, वो अभिमंत्रित जल राजा पी गए। तो रानी को होना था गर्भवती, लेकिन राजा हुई गए गर्भवता। अब समस्या कि किया क्या जाए, क्योंकि जल है अभिमंत्रित जल है। अब देखिए जैसे ही वो राजन ने जल पिया तो मेरी पंक्ति कह रही है, अब सभी से निवेदन है, प्रयास देखिएगा बच्चों का, है ना। जब राजा ने वो जल पी लिया तो अरे राजा की अवस्था है रानी जैसी, होता क्या है भैया। अरे राजा की अवस्था है रानी जैसी, महाराज की अवस्था महारानी जैसी, महारानी जैसी, महारानी जैसी। अरे राजा की अवस्था है रानी जैसी, महाराज की व्यवस्था महाराज की अवस्था महारानी जैसी, महारानी जैसी, महारानी जैसी। और जब ऐसा देखा लाज रखे, ऐसा अगर हो जाए तो लाज रखे शिव संग शिवानी। और कभी पी गए, पी गए, पी गए रात्रि में पी गए, पी गए, पी गए जल तो हुई हैरानी, पी गए जल तो हुई हैरानी। क्यों कैसे, अरे राजा को हुआ बेटा, राजा राजा को बेटे ने बेटे का जन्म भी दिया है, एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम पड़ा मानधाता, मानधाता। और जो स्त्री को करना था वो पुरुष के साथ हुआ, और जब ऐसा हुआ तो अरे राजा को हुआ बेटा राजा। और भैया वो ही राजा वो ही रानी, कैसे अरे लाज रखे शिव संग शिवानी, अभिमंत्रित जबे पी गए राजा, अभिमंत्रित जले पी गए पानी, पी गए, पी गए हुई हैरानी। जन्म दिया, नाम पड़ा मानधाता, प्रसोपीड़ा से। देखो अजय भैया को ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बता रहे हैं, कर लो सही बात है, बहुत अच्छा, नहीं जरूरी है, सहयोग होना चाहिए एक दूसरे का। अरे अभिमंत्रित वो पी गए पानी, पी गए, पी गए तो हुई हैरानी। बोलिए सच्चे दरबार की, ये मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।